हेलो बोल रहे हैं आप सब भाई ना देख रहे हैं newsvis360.com और हमारा नाम है वैशाली। आज ना हम अपनी अम्मा के साथ वो एवेंजर एंड गेम देखने गए थे, पर क्या हुआ ना कि गलती से कहाँ घुस गए जहाँ वो अंग्रेजी वाला एवेंजर सम चल रहा था, कुछ हमको समझ में नहीं आया था। फिर हम सोचे कि यहाँ गलती से आ गए, फिर हम वहाँ से उठे और ऐसा हिंदी वाला सिनेमा घर में गए, तब तक का है आधा फिल्म निकल चुका था। फिर हमने देखा कि वो इन्फिनिटी बार वाला जितना सब हीरो था सब जिंदा हो गया, हमको बहुत ही खुशी हुई। फिर एंड में ना बहुत ही हमको रोना आया, इतना दुख हो रहा था। बताए काहे, सब बता दें आपको, खुद जाकर देखिए ना। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सारा एंडिंग हैप्पी नहीं होता है। हाँ अच्छा, आपको एक बात बताएं, वो प्रियंका चोपड़ा है ना जिसने निक जोनस से शादी कर लिया, उनका भाई का शादी है सिद्धार्थ मल्होत्रा का, और उनका शादी के लिए वो भारत आई हुई है। देखिए भारत के लिए भारत नहीं आ पा रही थी, यू नो व्हाट आई मीन। चलिए छोड़िए, वो आई है ना तो अपना फैमिली के साथ ऐसा इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है फैमिली डिनर करते हुए। एक तो बात कहना चाहेंगे प्रियंका तुमसे, जब से तुम निक जोनस से शादी की हो ना, सब यहाँ का लड़का ऐसा देवदास विगा कांपता है। वैसे देवदास से हमको याद आया, वो शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली है ना, वो 20 साल बाद एक साथ काम करेंगे। 20 साल बाद कैसे, 20 साल पहले ही तो देवदास आया था, वो दोनों साथ काम किए थे और अब साथ में काम करेंगे। ऐसा कौन सा फिल्म बता रहे थे नाम, ऐसा कुछ इजहार करके कुछ और नाम बताए थे। हालांकि अभी ऐसा संजय लीला भंसाली का जो परम मित्र लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो ऐसा कहे हैं कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं साथ में। वैसे ना शाहरुख खान को इस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत ही बढ़िया लगा, तो वो एक्टिंग कर सकते हैं। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में तीन ही तो खान है, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। वैसे सलमान खान का तो ऐसा दिन ही खराब चल रहा है, कहे कि उनका ना अभी DN नगर पुलिस थाने मुंबई में किसी एक लड़का ने उनका रिपोर्ट दर्ज करा दिया। काहे नहीं कराया था, ऐसा गुस्सा आ जाता है, मारने पहुंच जाते हैं। काहे ना कि वो सलमान खान है ना DN नगर में ऐसा साइकिलिंग कर रहा था अपना बॉडीगार्ड का नाम है सेरा के साथ, हाँ तो एक तो लड़का ना उनका ऐसा वीडियो ले रहा था, तो थोड़ा देर तक तो सब शांति में रहे, लेकिन फिर उनको गुस्सा आ गया। पहुँच गए छोकरा के पास, ऐसा फोन वोन हिला के सब मारा पीटी शुरू कर दी उनने और बॉडीगार्ड ने। अब लड़का जब पिट गया तो उन्हें रिपोर्ट कर दी। सलमान जी काहे इतना गुस्सा करते हैं, सब चीज़ का जवाब नहीं देना पड़ता है, जैसे एक दिशा बकानी नहीं दे रहे हैं। दिशा बकानी को नहीं जानते, अरे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली दिशा का नाम दयाबेन, हाँ वो ना अपने प्रोड्यूसर को जवाब नहीं दे रहे हैं कि अब काम करेंगी कि नहीं करेंगी। तो अब जो वो प्रोड्यूसर है ना वो नया दयाबेन ढूंढ रहा है, और हम अपना खबरी से सुने हैं कि अब तारक मेहता में उल्टा चश्मा में कौन दिखाई देंगी, का नाम है अमी, अमी करके नहीं है, हाँ तो वो अमी त्रिवेदी अब दयाबेन का रोल निभा सकते हैं। पर हमको तो पहले वाली दया बहनी बहुत ही अच्छी लगती थी, कैसा ये हाई हम गिरे थोड़े थे, वो तो गर्मी बहुत हो रही है, चक्कर आ गया, हमको जूस वूस पी कर आता है। आप देखते रहिए newsvis360.com खबर अंदाज में। जयराम जी की।